स्वागत है आपका AUBSP के YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 24 जनवरी 2020 और आज के डेट में CS इंस्टीट्यूट के तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है। अगर आप जून 2020 में अपीयर करने वाले हैं तो आपके लिए ये अनाउंसमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चाहे आप CS फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हो, चाहे CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो, आप तीनों के लिए ये अनाउंसमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप CS फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कंपल्सरी एक 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो कंपल्सरी है फॉर अपीयरिंग इन जून 2020 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। कब? अगर आपने 1 जून 2019 या फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया है CS फाउंडेशन में, तो 1 डे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको करना कंपलसरी है। प्लस अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं तो भी अगर आपने न्यू सिलेबस में 1 जून 2019 या उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया है तो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है आपके लिए कंपलसरी है। यानी कि चाहे आप CS फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हो, चाहे CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, आपको जो है कंपल्सरी 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है बिफोर इनरोलमेंट टू CS एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड इन जून 2020 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। रही बात CS प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट का, तो आपके लिए एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि ऑनलाइन CS इंस्टीट्यूट के तरफ से कंडक्ट किया जाता है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा सक्सेसफुली, तभी जाके आप जो है वो फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। प्लस अगर आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको जो है वो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में अपियर करना पड़ेगा, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर सबमिटिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। यानी कि एग्जीक्यूटिव के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट भी कंप्लीट करना पड़ेगा प्लस 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप CS फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और अगर आप CS प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में अपियर करके सक्सेसफुली उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट के तरफ से क्या अनाउंसमेंट आया है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट एप्लीकेबल फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट अंडर 2017 न्यू सिलेबस। यानी कि अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं तो ये नोटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो न्यू कोर्स के जो स्टूडेंट हैं, जो न्यू सिलेबस में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया है या स्विच ओवर किए हैं तो उनके लिए ये कंपलसरी है। ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम स्टेट्स अंडर 2017 न्यू सिलेबस इंक्लूडिंग दोज हु हैव स्विच्ड ओवर टू द 2017 न्यू सिलेबस आर रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन टेस्ट थ्रू द ई लर्निंग पोर्टल। CS इंस्टीट्यूट का जो ई लर्निंग पोर्टल है elearning.ICI.in पे जाके आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करा के अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा टू बिकम एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट टू जून 2020 सेशन ऑफ CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम एग्जामिनेशंस, ठीक है, अंडर न्यू सिलेबस। तो अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो ऑनलाइन सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप CS फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं प्लस जो CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं उनको 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। एप्लीकेबल फॉर फाउंडेशन एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जून 2019, ठीक है। तो यहाँ पे CS इंस्टीट्यूट का कहना है कि स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑन और आफ्टर 1 जून 2019 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन एडिशन टू प्री एग्जामिनेशन टेस्ट इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट टू जून 2019 टर्म ऑफ एग्जामिनेशंस। तो यहां पे दोनों पॉइंट पे, यानी कि प्री एग्जामिनेशन टेस्ट प्लस 1
ऑनलाइन जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है और वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल, राइट। और वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम किसके लिए एप्लीकेबल है? सीएस फाउंडेशन और सीएस एग्जीक्यूटिव, यानी जो एग्जीक्यूटिव कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको दोनों कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट ही हैज रजिस्टर्ड ऑन एंड आफ्टर 1 जून 2019। तो 1 जून 2019 को या फिर उसके बाद आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको दोनों कंप्लीट करने पड़ेंगे, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट भी कंप्लीट करना पड़ेगा और वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी, ठीक है। तो ये सीएस इंस्टीट्यूट के तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसे इग्नोर ना किया जाए तो अच्छा है, अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं होगे अपियर करने के लिए। ये यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 24 जनवरी 2020 को ये सीएस इंस्टीट्यूट के तरफ से अनाउंसमेंट आया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है support.icsi.edu पे अपना क्वेरी कर सकते हैं फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज जो है आपको रेगुलरली मिलता रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। और कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आता है तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।